हमारे साथ हैं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, पिछली बार भी एक सीट आपको मिली थी, वो भी सिंबल भाजपा का था, क्या इस बार भी भाजपा के सिंबल पर वही एक सीट रहेगी, कुछ बदलेगा, परिवर्तन होगा? कभी त्रेता में निषाद भगवान राम निषाद राज ने सेना दिया था जीत के लिए। हम लोगों का जो खून है वो जीत वाला, बहुत सीट लेके हमारे नेता बने, जीते भी, लेकिन निषादों की जीत तब मिली जब उनकी पार्टी खड़ी और बड़ी हो गई और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व इतना खड़ा बड़ा किया निषादों ने कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें सपा बसपा कांग्रेस के सामने हाथ पसारना पड़ता था, उनके नेता को इंतजार करना पड़ता था कब मिलें, कब हमारा एक बार हमारी आवाज़ सुन, बड़ा आंदोलन करना पड़ता था हम लोग जैसे लोग। तो आज कम से कम हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी, योगी, अमित शाह जी जैसे लोग, त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था, इस युग में निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाया। तो हम लोग जीत में बदलते हैं समीकरण को। पिछले बार कुछ अलग था, हमें सीट मिली थी निषाद पार्टी से लड़ने के लिए, लेकिन 22-23 दिन का टाइम था और 8 सीटें बची थी, 8ों में हम हार रहा था, तो हारने के लिए तो पार्टी बनी नहीं है, तो जीतने के लिए बनी, इसलिए इंजीनियर प्रणव निषाद को लड़ा दिया गया उनके सिंबल से। लेकिन 2000 आपने देखा होगा 22 में कि 2022 में हमें 15 सीटें मिली है, 11 हारी लिया और 9 जीत के दिखाए, 11 विधायक, तो 11 विधायक के मुताबिक हमारे एक विधायक थे 2017 में, हमें एक MP मिला 2019 में, 2022 में आपको देखा होगा कि आपने हमें 15 सीटें मिली और हमने 11 विधायक किए। तो निश्चित रूप से बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, अभी गठबंधन दलों की बैठक करते हैं उसके बाद निर्णय लेते हैं, तो अभी तो प्रवीण निषाद को तो भारतीय जनता, हमारे बेटे भले हैं वो भाजपा के परिवार हैं और उन्होंने उस पर विश्वास जताया, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। और अभी गठबंधन दलों की बैठक होनी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से सपना दल और RLD और सुहेलदेव राजभर पार्टी के लिए सम्मान होगा, उसी हिसाब से निषाद पार्टी को भी मिलेगा अपने सिंबल पर भोजन भरी थाली से। अभी बहुत सीटें होल्ड रखी हैं जिसमें हमें कन्नौज है, पीलीभीत है, भदोही है, आपका देवरिया भी है, देवरिया है, अभी हमारा सुल्तानपुर है, अभी इस तरीके की सीटें जो है तमाम ऐसे जिताओ हैं जहाँ अभी होल्ड है, इलाहाबाद है, तो हमें कहीं भी हारी भी देंगे तो हम जीत में बदल देंगे, अभी उम्मीद है। अभी निश्चित रूप से सबके अभी गठबंधन दलों की बैठक नहीं हुई है, बैठक होने के बाद गृहमंत्री निर्णय लेते हैं, और पूरा उम्मीद है बड़े भाई के रूप में छोटे भाई को जिस तरीके से समाज को, पार्टी को सम्मान दिया, परिवार को सम्मान दिया, और इस समय समाज को भी भोजन भरी थाली का सिंबल देकर दिल्ली पहुँचाने की कामयाबी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी देगी। जैसे 2018 में प्रवीण निषाद सांसद बने थे यहाँ से सपा पार्टी जिंदाबाद सपा के टिकट पर, तो इस बार भी सपा ने एक काजल निषाद को उतारा है, तो क्या उसका असर पड़ेगा भाजपा की सीट पर? 2019 में भी सपा समाजवादी पार्टी ने निषाद उतारा था, लेकिन गोरखपुर और कबीर नगर में बहुत निषाद है और निषादों को राजनीतिक दर्द बहुत मिला सपा बसपा कांग्रेस में, इतना दर्द कि ये जाते थे दवा मांगने, दर्द मिलता था। इन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी खड़ा की और संत कबीर नगर गोरखपुर पार्टी, अब निषाद पार्टी खुद निषादों की समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा हो गई, अब इतना खड़ा बड़ा हो गया कि सीधे उनका वकील मोदी जी अमित शाह तक, इनके नीत नेता से नीत नहीं बनती है बल्कि पार्टी से नीत बनती है, और नीत बनाकर आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने पूरे देश के निषादों के लिए 67 साल में 3000 करोड़ रुपये दिया था, अभी हम 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपये देंगे, मतलब हम गोरखपुर और संत कबीर नगर के लोग पार्टी खड़ी बढ़कर पूरे देश के निषादों के भला के लिए नीत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा श्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, मछुआ कल्याण कोष, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद तो ये उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाज के लिए, मकान के लिए रहा, तो ये नीत के साथ है। और जिसका नाम आप ले रहे हैं विपक्ष, सपा ने 2015 में हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठा रहे थे और कितनी गोली, 6 घंटे गोली मारी कि भाई मारा गया, निषादों की पिटाई करते थे कितना, तब निषाद नहीं थे। और जिस प्रत्याशी को उतारा है वो नाम के निषाद हैं,
जन्म से निषाद नहीं है, तो नाम से निषाद होने से वोट थोड़ी मिलने वाला, और निषाद नेता से कुछ नहीं होने वाला निषाद पार्टी। इसलिए गोरखपुर और हर पूरे प्रदेश में नहीं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये मछुआ समुदाय के लोग मोदी के साथ खड़े हैं। काजल निषाद जो है वो कहती हैं कि संजय निषाद आपको कि हमारे ससुर हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए काम करते हैं, किसी निषाद समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। अभी पहली बार है कि आप देखें भोजन भरी थाली से विनोद बिंद को एक ही बार तीन निषादों को मैंने विधानसभा में पहुंचाया। तो अगर 15 सीट में तीन निषाद विधायक आज हैं, अब इनकी सरकार में तो हम लोग टिकट मांगने जाते थे और कैसे हैं। इनकी सरकार में माननीय विशंभर जी जो है जब आवाज़ उठाते दिल्ली में कि मझवार के परिभाषित किया जाए तो सारे सपा के सांसद भाग जाते रहे। मतलब जहाँ भाग लिखना वहाँ भाग जाएंगे और यहाँ लोगों को दरवाजे से भगाएंगे। तो आज के दिन में जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% आरक्षण में मिल्क मैन का कब्जा है, 23% में लेदर मैन का कब्जा है, तो जब नौकरी और सम्मान और हिस्सेदारी देना होगा तब तो निषाद नहीं नज़र आते हैं। अब बाकी वोट लेना होगा तो निषाद को वोट लेने की बात करते हैं। आज पहली बार है कि आप देखे होंगे कि हर क्षेत्रों में किसी भी समुदाय को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो सत्ता से मिलती है, सरकार से मिलती है। तो सम्मान भी बढ़ रहा है। अब निषाद को केवटा मल्लावा नहीं कहते, हम निषाद जी कहते हैं। और आज के दिन में देख लो गोरखपुर के तमाम निषाद नेता थे, समाजवादी पार्टी ने सभी निषाद नेताओं को मतलब कमज़ोर समझा या उदासीन समझा, निष्क्रिय समझा है, जिससे कि एक नाम का जन्म से तो निषाद है नहीं, नाम का निषाद है। ब्राह्मण के घर में पैदा होकर निषाद शादी करना और निषाद कह के निषादों को भ्रम डालना, और नेताओं को ऊपर क्या है, क्या गुजर रहा होगा सपा के नेताओं के ऊपर वही जानते होंगे। तो मतलब गोरखपुर के निषाद नेताओं पर विश्वास न जताकर एक तरीके से इस तरीके का करना, तो ये अब समाज धोखा खाने वाला नहीं है। नेता भले धोखा खा सकते हैं, अब समाज खुद का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके, मैंने 13 किताबें लिखा है, पार्टी बनाया, कैडर बनाया, भाषण चलता हमेशा, इनको निषाद राज के किले पर भाषण कर ले जाता हूँ, संकल्प दिलाता हूँ, किले पर कसम खाते हैं, चंदन लगाते हैं, जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, जय निषाद राज का नारा लगाते, अपना टोपी झंडा सब लेके खड़े और बड़े हो गए। और देखिए आज मोदी जी अमित शाह जी जैसे लोग जय निषाद राज का नारा लगाते हैं। सही माने में समाजवादी पार्टी को तब मानते जब 30 साल सरकार थी, हमारे लोग वोट देते रहे, और यही थे एक ईटा भी निषाद राज के लिए पढ़ी रखा। आज कम से कम सम्मान बढ़ रहा है, निषाद राज की मूर्ति भी भगवान राम के साथ है। मैं ये कहूँगा रामलला सब पर भारी है, मथुरा काशी के बाद श्रृंगवेरपुर की भारी है। एक चीज़ और पूछना है, जैसे एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें आपके निषाद समाज के लोग आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, तो कब तक ये सपना पूरा होगा उन लोगों का? देखिए पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो समाज है, समाज का मतलब होता है सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। आज समाज सताया और सामाजिक का गौरवशाली इतिहास रहा, नाक कान गला चेहरा माँ बाप का आता है, इनका खून निषाद राज का खून है। इसीलिए आज भगवान राम को कभी पार उतारा था, कभी अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। आज के दिन में आज सौभाग्यशाली एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया। तो ये हमारे लोग हैं, इनकी इच्छा है कि जिसकी संख्या कम है अगर वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो एक चाय वाले प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो कभी अवसर मिलेगा तो निषाद के बेटे को भी कभी बनाएगी। हम लोग तो अपने पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, हम अपने समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, और सौभाग्य से पद प्रतिष्ठा भी मोदी जी दे रहे हैं। तो हम अपने समाज को हिस्सेदारी और उनको सम्मान दिलाने के लिए हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक NDA गठबंधन के हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने सलेमपुर के भाजपा प्रत्याशी का विरोध भी किया है और उनका मंत्रिमंडल में आपके शामिल होने का बहुत दिन से इच्छा है, दीपावली से ही डेट दे रहे हैं लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। इन दोनों बातों पर क्या कहना चाहिए? प्रकाश राजभर भी हमारे बड़े भाई हैं, एक कमज़ोर समाज का नेतृत्व करते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, और जहाँ जनता की आवाज़ दबाई जा रही हो और उस जनता की आवाज़ को धरातल पर लाने के लिए, पटल पर लाने के लिए कोई नेतृत्व करता है तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। और हर समाज अपने नेता को उस निर्णायक सीट पर देखना चाहता है, लोकसभा विधान परिषद विधान, जहाँ उसका भाग लिखा जाता है, हिस्सेदारी होती है।
तो निश्चित रूप से उनका समाज इंतजार कर रहा राजभर भाई का बने, और शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से करता है, भाजपा जो कहती करती है। हम 2019 में आए हार गए, 2019 में आए नहीं बने, 2020 में, 2021 में MLC बने, 2022 में मैं मंत्री बना। तो 2019, 20, 21, 22 एक लंबा समय होता, तो धैर्य रखा जाता और निश्चित रूप से समय आने पर भाई हमारे मंत्री बनेंगे और हम लोग स्वागत भी करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी, आपका कहना है कि अभी बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, यदि भाजपा हारी हुई सीट भी देगी तो भी हम लोग जीत करके दिखाएंगे। और हमारे समाज के लोग दबे कुचले थे और उनको अब नेतृत्व मिला है, और हमें संजय निषाद को मोदी योगी और अमित शाह गले लगा रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।